नमस्कार, मेरा नाम वैद्य राहुल गुप्ता है। मैं श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय हल्द्वानी में प्रधान आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ। आज का हमारा ये वीडियो हमारे लीच सप्लायर अशोनी लीचिस के अनुरोध पे शूट किया जा रहा है। इस वीडियो में लीच थेरेपी से जुड़े सभी छोटी मोटी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। आयुर्वेद में लीच थेरेपी को जलोकावचारण कहा जाता है। जलोकावचारण जो है रक्त मोक्षण पंचकर्म का एक भाग है। सबसे पहले जौक या जलोका का वर्णन समुद्र मंथन के समय मिलता है। समुद्र मंथन के समय जब आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी तो उनके बाएं हाथ में अमृत कलश था तथा दाएं हाथ में जौक या लीच रहता था। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि लीच का या जौक का आयुर्वेद में क्या महत्व है। मुख्यतः क्योंकि जलोकावचारण रक्त मोक्षण के अंदर आता है, इसलिए आयुर्वेद के शल्य प्रधान ग्रंथ सुश्रुत में इसका वर्णन प्रमुखता से मिलता है। आचार्य सुश्रुत ने रक्त की महत्वता को समझाने के लिए उसे चतुर्थ दोष, तीन दोष तो आप सबने सुना होगा, लेकिन उन्होंने रक्त को उसकी प्रमुखता को दर्शाने के लिए उसे चौथे दोष की उपमा दी गई है। और आचार्य सुश्रुत ने जलोकावचारण या लीच थेरेपी पे एक पूर्ण चैप्टर बताया है जिसमें लीच थेरेपी से जुड़ी सभी शंकाओं का समाधान किया गया है। इसके अलावा बृहत्त्रयी के बाकी दो ग्रंथ चरक संहिता तथा अष्टांग हृदय में भी जलोकावचारण या लीच थेरेपी का वर्णन देखने को मिलता है। रक्तमोक्षण के अलग अलग प्रकार हैं जिसमें जलोकावचारण एक है। इसके अलावा सिरावेद, विद्ध कर्म इत्यादि अलग अलग अनेक अनेक प्रकार रक्तमोक्षण के बताए गए हैं। इसमें से स्पेशली जलोकावचारण उन रोगियों में कराना चाहिए जो सुकुमार प्रकृति के रोगी रहते हैं, जिनका सत्व अल्प या हीन रहता है। जो बालक हैं उनमें लीच थेरेपी होती है। जो वृद्ध हैं, जो स्त्री हैं, जो दुर्बल हैं या रक्तमोक्षण से जो डरते हैं उनमें जलोकावचारण या लीच थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। लीच के गुणकर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि लीच या जौंक जो है जल में मिलती है इसलिए वो शीत होती है। इसी शीत गुण के कारण इसका प्रयोग पित्तज रोगों में बहुतायत से होता है, यानी पित्त दुष्टि वाले रोगों में जलोकावचारण कराया जाता है। इसके अलावा अवगाढ़ दोषों में, यानी कि जो दोष डीप सीटेड हैं या फिर गंभीर धातुओं में चले गए हैं उनमें जलोकावचारण का प्रमुखता से उपयोग होता है। इसके विपरीत जो दोष सुपरफिशियल हैं या त्वचागत हैं उनमें अलाबू लगाने का विधान है रक्तमोक्षण में। इसके अलावा जो दोष सर्व शरीरगत हैं तो उसमें सिरावेद से रक्तमोक्षण किया जाता है। जलोकावचारण क्योंकि रक्तमोक्षण के अंदर आता है और रक्तमोक्षण जो है पंचकर्म का एक भाग है, तो पंचकर्म में प्रधान कर्म करने से पहले कुछ पूर्व कर्मों की आवश्यकता होती है। इसलिए जलोकावचारण करने से पहले रोगी को स्नेहन स्वेदन करके उसके दोषों को उत्क्लेश करना बहुत ज़रूरी है, तभी जलोकावचारण या रक्तमोक्षण का लाभ मिल पाता है। इसके अलावा कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि जौंक जो है शीत प्राणी है या जल में मिलने से शीत प्रदेश की प्राणी है, इसकी वजह से जो जौंक है शीतकाल में अच्छी तरीके से लग जाती है, इसलिए प्रातःकाल इसको लगाने का प्रयास करें। जलोका को लगाने के लिए सबसे पहले उसको जो जलोका जिस साइज की जलोका आपको चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके उसे सरसों और हल्दी के लेप में डाल दें। इससे क्या रहता है कि जलोका की जो ग्लानी है या जो दुर्बलता है वो जल्दी नष्ट हो जाती है और उसके बाद जलोका अच्छे से लग जाती है। तो सरसों और हल्दी के कल्क से निकालने के बाद उसके स्वच्छ पानी में रख के
और फिर उसे अपने स्थान पे लगाएं जिस स्थान पे आपको जलोका उच्चारण की नीड है। जलोका लगाने के बाद उस स्थान पे अगर जलोका सीधे सीधे नहीं लगती है तो उस स्थान पे आप थोड़ा सा दूध लगा लें, अन्यथा थोड़ा सा विध करके वहाँ पे रक्त लगा लें, इससे जलोका लग जाती है। और फिर भी अगर आपकी जलोका नहीं लगती है तो फिर आपको वो जलोका हटा के दूसरी जलोका को सेलेक्ट करना चाहिए। जलोका लगने के बाद जलोका का वो स्थान या जलोका का मुंह घोड़े के खुर की समान सीधा खड़ा हो जाता है, ये शास्त्र में वर्णित है। जब ऐसे लक्षण आपको मिलने लगे तो आप जलोका को एक गीले कपड़े या गीली रुई से ढक दें। जलोका रक्त मोक्षण करते करते जब अशुद्ध रक्त के साथ साथ शुद्ध रक्त जब चूसने लगती है तो उस स्थान पे खुजली होने लगती है। तो रोगी आपको बताता है कि मुझे चुनचुनाहट या खुजली हो रही है, तो आप समझें कि जो जोंक है वो अब शुद्ध रक्त का अचूषण कर रही है। तो उस स्थान पे फिर आप नमक डाल के उस जोंक को छुड़ा लें। और जोंक को छुड़ाने के बाद उस स्थान में एकदम से कुछ द्रव्य या फिर कुछ औषधि ना लगाएं, क्योंकि जलोका के मुंह का विष जो रहता है या फिर जो हिरुडिन रहता है वो अभी भी उस व्रण स्थान पे रहता है। अगर उसको आपने रक्त को रोक दिया तो फिर वो रक्त धीरे धीरे करके काफ़ी लंबे समय तक बहता रहता है। तो ऐसे में थोड़ा सा रक्त वहाँ से निकल जाने दें। और रक्त निकलने के बाद तो उस स्थान पे आप शद्योद्घृत या शहद लगा के उसका शोधन कर सकते हैं, या फिर कषाय मधुर स्निग्ध शीत पदार्थों का वहाँ पे लेप कर सकते हैं। अगर जलोकावचरण के बाद रक्त फिर भी ना रुके तो वहाँ पे आप रक्त स्तंभक औषधियाँ जैसे मूचरस, लोधर इत्यादि का चूर्ण डाल के वहाँ पे टाइट पट्टी बांध दें। इसके अलावा जो जलोका है उसका रक्त मोक्षण के बाद तुरंत ही वमन कराना अपेक्षित है। तो जोंक के मुंह पे नमक या चावल का बुरादा लगा के उसको वमन कराने के लिए उसको छोड़ दें या उसका वमन कराएं। इस तरह से अगर आप सावधानी पूर्वक रक्त मोक्षण करते हैं तो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आयुष चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद और यूनानी ये दो ऐसी पद्धतियां हैं जिनको जलोकावचरण लगाने की लीगली परमिशन प्राप्त है। तो ये चिकित्सक अगर इनके पास प्रॉपर इनकी पद्धतियों की डिग्री है तो ये जलोकावचरण कर सकते हैं। जलोकावचरण लगाने से पहले पेशेंट का सम्मति पत्र या फिर कंसेंट लेटर लेना बहुत ज़रूरी है। ये कंसेंट लेटर पंचकर्म के हर एक कर्म में लेना आवश्यक है, इसलिए अपने रुग्ण से सम्मति पत्र अवश्य लें। शास्त्र सम्मत विधि से पूरे शास्त्र में जो जो सावधानियां कही गई हैं उनको अगर अच्छी तरह से पालन करते हैं आप तो जलोका लगाने में फिर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जलोका उच्चारण विधि या लीच थेरेपी, क्योंकि एक आयुर्वेद चिकित्सा के अंतर्गत आती है, तो इसमें रोगी का निदान करना आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आवश्यक है। फिर भी रोगी का जब आप रोगी से प्रश्न परीक्षा करते हैं तो उसकी हिस्ट्री में आपको ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि रोगी को कोई पहले की ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। जैसे रोगी किसी किसी रोगी में हीमोफीलिया वगैरह मिलता है तो ये पहले रूल आउट कर लें। इसके अलावा जनरल CBC करा के या BT CT टेस्ट करा के आप जलोकावचरण करा सकते हैं। रोगी के दृष्टिकोण से अगर सम्यक शुद्धि नहीं हुई है या जलोकावचरण के बाद आपको ऐसा लगता है कि दोष अभी भी शेष हैं उस स्थान पे उस रोग में, तो तीसरे दिन फिर से आप जलोकावचरण कर सकते हैं। अन्यथा एक बार किया हुआ जलोकावचरण को दोबारा कराने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है। जौ के जलोका के दृष्टिकोण से एक बार अगर आपने जलोका लगा ली है उसका फिर सम्यक वमन अगर कर दिया है तो उस जौ को 7 दिन बाद दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। इस 7 दिन की अवधि में जो जौ में
बचे हुए जो दोष हैं उनका पाचन हो जाता है तथा जोंक की दुर्बलता नष्ट हो जाती है, तो 7 दिन बाद जोंक को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। शास्त्र में एक जोंक को दूसरे रोगी में यूज़ करें ना करें इसके बारे में कुछ क्लियर मत नहीं है, फिर भी आज के दृष्टिकोण के अनुसार जो आप जोंक यूज़ करते हैं उसको उसी रोगी में यूज़ करें, उसको दूसरे रोगी में यूज़ ना करें, दूसरे रोगियों के लिए फ्रेश जोंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर जो जलोका उच्चारण के निर्देश बताए गए हैं इनके विपरीत अवस्थाओं में जलोका उच्चारण नहीं करना चाहिए। जिन रोगियों में ब्लीडिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री है उनमें जलोका उच्चारण ना करें। बहुत सारे चिकित्सक बंधु वेरिकोस वेन पे जलोका उच्चारण करते हैं। वेरिकोस वेन क्योंकि सिरा शैथिल्य के अंदर आता है तो सिरा शैथिल्य की अवस्था में जलोका उच्चारण निषेध है, फिर भी अगर आप वेरिकोस वेन्स में जलोका उच्चारण करना चाहते हैं तो सिरा या उस वेन से थोड़ा सा हटकर जलोका उच्चारण करें। अगर आप डायरेक्टली वेरिकोस वेन पे जलोका उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे वेरिकोस अल्सर बनने की संभावना काफ़ी रहती है, जो बहुत से सारे चिकित्सकों को इस बात की नॉलेज नहीं रहती है। इसके अलावा नेत्रों के पलकों या स्तन पे या फिर जेनाइटल्स जो भी मर्म है या मृदु अवयव हैं वहाँ पे जलोका उच्चारण या जोंक ना लगाएं। इसके अलावा कुछ एक ग्रंथों में मेंशन किया गया है कि किस अवस्था में कितनी जलोका लगा सकते हैं, तो 2 वर्षों से जो कम की आयु के बालक रहते हैं उनमें जलोका उच्चारण ना कराएं, और जो 2 वर्ष के बाद के बालक हैं या 2 या 3 साल के बच्चे हैं उनमें 1 से ज़्यादा जलोका नहीं लगानी चाहिए। आयुर्वेद में जलोका का पूर्व कर्म के रूप में जलोका का शोधन या वमन आया है। अगर जलोका का अच्छी तरीके से शोधन ना किया गया हो या रक्त जलोका ने अपने वमन में उल्टी में ना निकाला हो तो ऐसी जलोका के लक्षण में आप देखेंगे कि जलोका सुस्त रहती है, पानी में डालने में कम हिलती है, तो इससे आप जान लें कि अभी भी जलोका के अंदर रक्त शेष है, तो पूरी तरीके से उसका रक्त वमन अच्छे से करा लें। कुछ कुछ चिकित्सक जलोका उच्चारण के समय या जलोका का वमन कराते समय अति मात्रा में अति या ज़्यादा प्रेशर से जलोका का वमन कराते हैं, जिससे जलोका जो है अतियोग से पीड़ित होती है। ऐसे में या तो जलोका को दुर्बलता से भरा हुआ जानना चाहिए या फिर ऐसे में जलोका की मृत्यु भी हो सकती है, तो जलोका का वमन समय प्रकार से कराएं। आयुर्वेद में यह भी बताया है, क्योंकि देखिए जलोका जो है अपने जब पर्यावरण में नॉर्मल पर्यावरण में रहती है तो वो किसी भी रैंडम जानवर के या मनुष्य के लग जाती है, लेकिन क्योंकि आयुर्वेद में हम दुष्ट रक्त या दूषित रक्त के शोधन के लिए जलोका उच्चारण का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा दूषित रक्त जब जलोका के अंदर जाता है तो वो रक्त जलोका के शरीर से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जलोका को एक इंद्रमद नामक बीमारी का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है, तो जलोका को इंद्रमद हो जाता है और कुछ काल के पश्चात उस जलोका की मृत्यु भी हो जाती है। आयुर्वेद में 6 प्रकार की जलोकाओं को सविष जलोका बोला गया है, यानी ये जलोका जो है जलोका उच्चारण या लीज थेरेपी के लिए नहीं बनी है। इसमें सबसे पहली जो है कृष्णा जलोका रहती है, इसका जो साइन है या जो इसका अपीयरेंस है वो काले या काजल की तरह काली होती है। इसमें एक कर्बूरा जलोका बताई गई है जो विषाक्त रहती है। कर्बूरा जलोका मछली की तरह लंबी रहती है तथा उसके पेट में रेखाएं रहती हैं। अलगर्दा जलोका बताई है तीसरी, उसके शरीर पर गर्दा या रोएं रहते हैं वो भी निषिद्ध है। इंद्रयुधा एक जलोका बताई गई है जिसमें उसके शरीर पे इंद्रधनुष जैसी रेखाएं उभरी भी दिखती हैं और उसको भी रक्तमोक्षण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा सामुद्रिका एक जलोका रहती है, उसके पीठ पे काले या पीले बिंदु रहते हैं
और उसका पुष्प जैसा या फूल जैसा स्वरूप रहता है तो वो भी निषिद्ध है। एक गोचंदना जलोका बताई गई है जिसका जो स्वरूप होता है वो बैल के वृषणों की तरह रहता है तथा वो बाइफर्केटेड रहती है। तो इस तरह की जलोका को भी रक्त मोक्षण के लिए निषिद्ध बनाया गया, निषिद्ध बताया गया है। इसके अलावा जो जलोका दूषित या कीचड़ वाले पानी में, बहुत ज़्यादा ऐसी जगह जहाँ पे मनुष्य लोग नहीं जाते हैं या जिनको अवॉइड करते हैं, ऐसे त्याज्य जो देश हैं वहाँ की जलोकाएँ जो हैं उनका रक्त मोक्षण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो जलोका शारीरिक संरचना से थोड़ा सा हटके रहती है, यानी मध्य में बहुत ज़्यादा मोटी रहती है, चपटी रहती है, या फिर जो जलोका बिल्कुल ही चेष्टा नहीं करती है, बिल्कुल उसका हिलना डुलना बंद रहता है, तो ऐसी जलोका को जलोकावचरण विधि के लिए अनुकूल ना समझें तथा इनका जलोकावचरण में प्रयोग ना करें।